सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। जो भी स्टूडेंट राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है। सो आज हम जानेंगे कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के का स्थापना कब हुई, उसके क्या क्या फंक्शन है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को स्टेट में एनफोर्समेंट करता है, उनकी मॉनिटरिंग करता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मैं शॉर्ट में बोर्ड के नाम से ही बुलाऊंगा, ठीक है। सो इस बोर्ड की स्थापना वो 7 फरवरी 1975 को हुई थी, 1975 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर झालाना डूंगरी एरिया में, जयपुर में, जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? श्री शिखर अग्रवाल, जो एक आईएएस ऑफिसर है। और इसके मेंबर सेक्रेटरी कौन है? श्री विजय एन इसके बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो बोर्ड में मेंबर्स कितने होते हैं? राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में टोटल 17 मेंबर्स होते हैं, 17 मेंबर्स आर देयर। सो वन इज चेयरमैन, वन चेयरमैन, वन मेंबर सेक्रेटरी एंड 15 अंशकालीन सदस्य, मींस पार्ट टाइम मेंबर्स बोर्ड के अंदर सदस्य होते हैं। इस बोर्ड का गठन और इस बोर्ड का फॉर्मेशन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा फोर के तहत प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा पानी की गुणवत्ता या क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, उद्देश्य के मेन पर्पज के लिए किया गया था। उसके बाद में, कुछ समय बाद में, इस बोर्ड के कार्य प्रणाली में वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक 1981 को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट, ओके, 1977। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस चीज का ध्यान रखिए। सो इस बोर्ड को इकोनॉमिकली स्ट्रोंग और वित्तीय रूप से स्ट्रोंग बनाने के लिए इस रूल, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट के जो भी अधिकार क्षेत्र हैं वो इस बोर्ड को दे दिए गए थे, ताकि जो भी सेस एक्ट होगा वो डायरेक्ट इस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। सो बोर्ड विल गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट। सो अंडर दिस रूल और अंडर दिस सेस एक्ट, वाटर सेस एक्ट 1977, द स्टेट बोर्ड गिवन द पावर टू कलेक्ट द सेस ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय द इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्री से जो भी वाटर की क्वांटिटी कंज्यूम की जाती है, उसके बेसिस पे उनको एक चार्ज सेस उनसे लिया जाता था, और ये सेस भी बोर्ड के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता था। एनेक्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके। सो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस रूल के बनने के बाद में इस बोर्ड का दायरा और एक्टिविटीज है वो काफी ब्रॉड हो गई। मतलब ये काफी सारी चीजें, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड है, वो सब इस बोर्ड के अंदर आ गए। दैट्स व्हाई द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ओके, क्योंकि ऑल द एक्ट एंड रूल्स एंड एक्ट्स आर कम अंडर दिस एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द स्टेट बोर्ड इज इंगेज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल मेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना इस बोर्ड का एक प्रमुख कार्य है। सो फ्रेंड्स, नाउ द विजन ऑफ बोर्ड एंड मिशन ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड का विजन क्या है और इस बोर्ड का मिशन क्या है? तो विजन और मिशन में क्या डिफरेंस होता है? विजन ये होता है कि आने वाले कल में क्या होगा, ये विजन है। और मिशन क्या है कि जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में बोर्ड क्या काम कर रहा है, उस पे फोकस करना है।
उसको स्ट्रोंग करना, उसको प्रॉपर करना, उसको सस्टेनेबल बनाना है। और विजन मीन्स कि आने वाले कल में क्या होगा और क्या लेवल होगा चीजों का। सो इस बोर्ड का विजन क्या है? पोल्यूशन फ्री, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरमेंट, ये इसका विजन है कि जो हमारा आने वाला कल है वो प्रदूषण मुक्त होगा, स्वस्थ होगा और टिकाऊ होगा। तो मिशन क्या है, मतलब प्रेजेंट टुडे क्या है? क्रिएट एंड एनेबलिंग एटमोस्फियर एंड फोस्टर एप्रोप्रिएट पार्टनरशिप इन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में पर्यावरण प्रशासन में एक सक्षम माहौल बनाए रखना तथा उचित साझेदारी को बढ़ावा देना, ये इसका मिशन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस बोर्ड का सेटअप क्या है, इस बोर्ड की स्ट्रक्चर क्या है। तो इस बोर्ड में जो सबसे मेन पर्सन होता है, मेन अपेक्स इज द चेयर पर्सन, उसके बाद में मेंबर सेक्रेटरी, ओके, देन द मेंबर सेक्रेटरी इज टेकिंग केयर ऑफ फोर डिफरेंट ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज द हेड ऑफिस टेक्निकल ग्रुप, हेड ऑफिस अदर ग्रुप्स, लेबोरेटरीज एंड रीजनल ऑफिसेज। सो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 25 रीजनल स्टेशंस हैं, इसमें हेड ऑफिस को इंक्लूड करके काउंटिंग है। टोटल 25 रीजनल स्टेशंस आर इन द राजस्थान। लेबोरेटरीज, तो टोटल नंबर ऑफ लेबोरेटरीज इज द 14। ओके, द हेड ऑफिस टेक्निकल ग्रुप इंक्लूड द प्लानिंग, टीसीडी, एचएसडब्ल्यू, सीपीएम, होटेल्स, एमयूआईडी, माइंस, एससीएमजी, सीडी, वाटर सेस, बायोमेडिकल वेस्ट, होप, पीडीएफ, ऑल दिस, द प्लास्टिक, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और ईवेस्ट, ऑल दिस थिंग्स कम अंडर दिस ग्रुप। अदर ग्रुप इंक्लूड अकाउंट्स, लीगल ग्रुप, आईटी सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वीटीआर सेक्शन। द लेबोरेटरीज, सो देर आर 14 लेबोरेटरीज इन द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, लाइक इन द सेंट्रल लेबोरेटरी सिचुएटेड इन द जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, पाली, भिवाड़ी, बीकानेर, भरतपुर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, सीकर एंड बालोतरा। सो इन जगहों में इस बोर्ड की मुख्य मुख्य लेबोरेटरीज हैं और देर आर 25 रीजनल स्टेशंस एट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन द राजस्थान। सो इस बोर्ड का जो हेडक्वार्टर वो जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 25 लोकेशंस पे इसके रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। और मुख्य प्रयोगशाला है वो, इस बोर्ड की मुख्य प्रयोगशाला वो कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है तथा मुख्य प्रयोगशाला के अतिरिक्त 13 अन्य जगहों पर भी रीजनल लेबोरेटरीज हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 14 लेबोरेटरीज आर अंडर दिस बोर्ड। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ रीजनल स्टेशन इज द 25 इंक्लूडिंग द जयपुर, एंड टोटल लेबोरेटरीज इज द सेंट्रल लेबोरेटरीज इज वन ओनली, देयर इज ओनली वन सेंट्रल लेबोरेटरीज एंड 13 इज द रीजनल लैब। सो टोटल नंबर ऑफ लैब इज द 14। सो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर ऑफ केंद्रीय प्रयोगशालाएं कितनी है, तो ओनली वन, दैट इज लोकेटेड इन द जयपुर, एंड 13 आर द रीजनल लैब्स। अब हम देखते हैं कि बोर्ड के क्या क्या फंक्शन हैं, क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, क्या क्या कार्य हैं बोर्ड के। सो बोर्ड मेनली बहुत सारे रूल्स, एक्ट्स और रेगुलेशंस को एनफोर्स करता है और उनकी मॉनिटरिंग करता है स्टेट में। तो कौन कौन से रूल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो जितने भी रूल्स हैं उनके, उनको आप उनके नाम और उनके ईयर को ध्यान रखिए। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट उनके ईयर पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट लेट्स वी टेक ए एग्जाम्पल, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर? सो इट वॉज केम एनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1974। लाइक वाइज यू रिमेंबर ऑल द ईयर ऑफ ऑल द एक्ट्स एंड रूल्स। सो दिस बोर्ड टेक एनेक्ट और एनफोर्स और मॉनिटरिंग द डिफरेंट एक्ट्स, लाइक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, राजस्थान वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल्स 1975, इस चीज का ध्यान रखिए, दिस इज द राजस्थान वाटर। देन आफ्टर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सेस एक्ट 1977,
सेस एक्ट में क्या है, बोर्ड है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट सेक्टर से चार्जेस वसूलते हैं कि ये कितना वाटर का यूज कर रहे हैं उसी उनके क्वांटिटी के बेसिस पे, ठीक है। देन आफ्टर राजस्थान वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस रूल 1978, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, राजस्थान एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1983। सो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल हैं उन्हीं रूल्स के लगभग एक साल बाद में स्टेट ने अपने रूल बना रखे हैं, ठीक है। जैसे आप एयर के रूल को देखते हो, सो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया था, तो राजस्थान ने 83 में बना लिया। इसी प्रकार हम वाटर का देखते हैं, वाटर सेवन 1974 में आया था, तो राजस्थान ने 75 में बना लिया। सो लगभग जो भी सेंट्रल एक्ट है उन्हीं के बाद में स्टेट के एक्ट आए हैं उसके एक दो साल बाद में। सर इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके। देन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989, मैन्युफैक्चरिंग यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और सेल्स रूल 1989, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये इंपॉर्टेंट है इसका आप ध्यान रखिए, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। उसके बाद में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अरावली नोटिफिकेशन, सो अरावली के ईआईए से रिलेटेड नोटिफिकेशन कब आया था, ये आया था 7 मई 1992 को आया था, ठीक है। केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रूल 1996, द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल इन 1988, फ्लाई एश एक्ट 1999, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशंस रूल 2000, ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टांसेज रेगुलेशन रूल 2000। सो तीनों रूल हैं 2000 में आए थे। बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001, ताज ट्रेपेजियम पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑथोराइजेशन नोटिफिकेशन 2003 में आया था, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन कब आया था, 2006 में आया था, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल 2008 में आया था, एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में आया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है इस ईयर का, ईयर को आप याद रखें। ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इन्हीं का राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इन्हीं सब रूल का मॉनिटरिंग करता है, इन्हीं को एनफोर्स करता है, ठीक है। नाउ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिनको शॉर्ट में एसटीपी भी कहते हैं, राजस्थान में तो सीवेज उपचार संयंत्र है, वो राजस्थान में सीवेज उपचार संयंत्र का क्या स्टेटस है। सो रिसेंटली दिस बोर्ड पब्लिश ए एनुअल रिपोर्ट 2001 और 22। सो 2021-22 के डेटा के अनुसार टोटल वर्किंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने हैं, 104, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको याद रखें। और उनकी टोटल ट्रीटमेंट कैपेसिटी कितनी है, 1,053.4 मिलियन लीटर पर डे, मिलियन लीटर पर डे, MLD। सो इतनी उनकी टोटल कैपेसिटी है, लेकिन प्रेजेंट में कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हो पा रही है, केवल 63.8%। सो जितना भी है उसकी केवल 63.8% की कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, मींस वी आर ऑलमोस्ट ट्रीटिंग 672.68 मिलियन लीटर पर डे ऑफ सीवेज वेस्ट वाटर। सो सीवेज उपचार संयंत्र है, उनके टोटल नंबर 104 है और उनसे लगभग 63.8% ही वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्रेजेंट में हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं ई कचरा प्रबंधन के बारे में, राजस्थान में ई कचरा प्रबंधन का क्या स्टेटस है, ई वेस्ट मैनेजमेंट इन द राजस्थान। तो जब भी हम ई वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं या कोई वीडियो को देखते हैं तो काफी बार एक टर्म का यूज होता है, काफी बार PRO वर्ड का काफी यूज होता है, PRO। PRO का फुल फॉर्म क्या है,
प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रोड्यूसर मीन्स जो भी ई वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, या जो भी कंपनीज हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ई वेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग, ई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इन्हीं डिवाइस के डिफंक्शन मतलब जब उनका यूज नहीं होता है उसके बाद में उनको रिसाइकलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, और उनके पास उनके प्रॉपर मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए कि इस ई वेस्ट को वो कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दिस प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो राजस्थान में ई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कई चरण, कई कैंपेन्स किए गए हैं। उनमें जो पहला कैंपेन है ई वेस्ट कलेक्शन कैंपेन, इसका पहला चरण हो 1 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021, मतलब लगभग 2 महीने के लिए चला था, और 21 की सहायता से चला था। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सहायता से इस पहले चरण की शुरुआत की गई थी, और ये 3 जिलों में जयपुर, उदयपुर और कोटा में इसकी शुरुआत की गई थी, और इस चरण के अंतर्गत लगभग 11 मेट्रिक टन ई वेस्ट कलेक्ट किया गया था। और जो दूसरा चरण है वो 14 अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी, लगभग 12 दिन के लिए। सो ये चरण है वो रिसाइकलर डिसमेंटलर तथा RLG इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से इसकी शुरुआत की गई तथा ये भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर और भिवाड़ी जिलों में इसकी शुरुआत की गई तथा इस चरण के अंतर्गत लगभग 66 मेट्रिक टन ई वेस्ट का कलेक्शन किया गया। तीसरा चरण है जो कि 2 से 15 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत की गई, और ये चरण है वो अजमेर, लगभग 6 जिलों में अजमेर, बीकानेर, पाली, चूरू, झुंझुनू और सीकर में इसकी शुरुआत की गई, और इस चरण के अंतर्गत 232 मेट्रिक टन ई वेस्ट का कलेक्शन किया गया। इंटीग्रेटेड वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, एकीकृत अपशिष्ट पुनर्चक्रण पार्क। जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी जो कि 2002 में लॉन्च हुई थी, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी, इसी पॉलिसी के अंतर्गत है वो इंटीग्रेटेड वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क का प्रस्ताव प्रपोज किया गया था, और लगभग 2023 में ये पार्क ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया गया है, और ये जयपुर के पास थोलाई गांव में स्थित है। सो ये पार्क क्या करता है, थोलाई गांव में स्थित है ये पार्क, मेनली ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट तथा बैटरी वेस्ट को रिसाइकलिंग का काम करता है। वहां की में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मशीनें हैं जो इन वेस्ट को रिसाइकलिंग करती हैं अलग अलग तरीके से। केवल 3 ही वेस्ट को ये कलेक्ट करता है, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और बैटरी वेस्ट। और इस पार्क की स्थापना वो यूरोपियन यूनियन की सहायता से इस पार्क की स्थापना की गई है, रिसोर्स एफिशिएंसी इनिशिएटिव जो कि एक इसकी विंग है, और इसका एक सेपरेट एरिया है जिसके अंतर्गत और जिसकी सहायता से ये एकीकृत अपशिष्ट पुनर्चक्रण पार्क की स्थापना की गई थी। सो ई वेस्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से लाइक ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011, सो 2011 में आया था, और 2016 में इसको चेंज कर दिया था। क्या चेंज कर दिया था, इसका नाम चेंज कर दिया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है, इसके नाम से हैंडलिंग को हटा दिया था, वो रिमूव कर दिया था। सो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये हर साल 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है, 14 अक्टूबर को। हम ई वेस्ट को शॉर्ट में हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, EEE, किस नाम से पुकारते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के नाम से भी इसको बोला जाता है, ई वेस्ट का ये दूसरा नाम है। सो नाउ द इंटरनेशनल ई वेस्ट डे जो कि 14 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है, सो इस डे की शुरुआत कब से हुई थी, 2018 से इस डे की शुरुआत हुई थी, और 2022 में ई वेस्ट डे की क्या थीम थी, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, कि
कि जितना भी ई वेस्ट है उसको रिसाइकल कर लो, चाहे उसकी क्वांटिटी कितना भी हो, कितनी भी छोटी हो, तो रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। सो ई वेस्ट, ये इंटरनेशनल ई वेस्ट डे किसके द्वारा शुरुआत की, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम, ये एक इंटरनेशनल फोरम है, WEEE फोरम है, जो जिसने इस दिन की शुरुआत की। वो 2018 से हर साल इसको कंटिन्यूअसली 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, सो इंडिया में जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक है वो कहाँ पे स्थापित किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। और इस ई क्लिनिक का काम क्या होता है? सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल यूनिट्स। सो मेनली द बेसल कन्वेंशन जो कि 1992 में हुआ था डिड नॉट मेंशन द ई वेस्ट। सो बेसल कन्वेंशन की जो डेफिनेशन थी उसमें ई वेस्ट को मेंशन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद में 2006 में जब COP 8 हुआ था तो उसके अंदर ई वेस्ट वर्ड को भी इंक्लूड कर लिया गया था। सो द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MoEFCC, इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2016 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल को इंट्रोड्यूस किया। और अपन कह सकते हैं कि जो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 था उसको मॉडिफाई करके ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 कर दिया गया। सो नाउ ई वेस्ट इन्वेंटराइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ई कचरा वस्तु सूची। सो ई कचरा वस्तु सूची का मतलब क्या होता है कि किसी जिले में और किसी राज्य में और किसी देश में कितना ई वेस्ट जनरेशन होता है, कितना ई वेस्ट इंपोर्ट होता है, कितना ई वेस्ट एक्सपोर्ट होता है, कितना ई वेस्ट का कलेक्शन होता है, कितने ई वेस्ट का सेग्रीगेशन होता है, कितने ई वेस्ट की प्रोसेसिंग होती है, इन सभी डेटा को कलेक्ट करना, एक जगह पे कलेक्ट करना इन्वेंट्री कहलाता है, और इसी को हम ई वेस्ट इन्वेंटोराइजेशन कहते हैं। सो ई वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016, सो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के नियम नंबर 17 तथा अनुसूची 4 के अंतर्गत ई वेस्ट के जो इन्वेंटोराइजेशन की दायित्व है, क्या ड्यूटी है, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है। ठीक है, सो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में स्थित है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के साथ 14 अक्टूबर 2021 को एक अनुबंध किया, जो इस अनुबंध के अंतर्गत इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बोर्ड है वो राज्य के 5 शहरों, कौन कौन से शहर? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में ई वेस्ट का इन्वेंटोराइजेशन करेगा। ठीक है, ई वेस्ट के बारे में डेटा को कलेक्ट करेगा कि इनके डेटा का अलग अलग सेक्टर्स में डेटा का क्या स्टेटस है। नाउ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सो राजस्थान में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का क्या स्टेटस है? सो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब आया था? 2016 में। ठीक है, सो जो राजस्थान सरकार ने 2010 में एक अधिसूचना जारी की जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं उनके उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात एवं विक्रय को दिनांक 1 अगस्त 2010 से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, इन लोगों ने, बोर्ड ने जुलाई में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 1 अगस्त 2010 तक जो भी प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं उनके प्रोडक्शन, उनके यूटिलाइजेशन, उनके उपयोग, उनके भंडारण, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब पे उन्होंने बैन लगा दिया गया है 2010 से। राज्य सरकार द्वारा कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स को उक्त प्रतिबंध से मुक्त रखने हेतु 31 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी की गई। इसका मतलब यह है कि इस बोर्ड ने 31 दिसंबर 2021 को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैरी बैग के यूटिलाइजेशन को जो भी प्रतिबंध लगाया था उससे इसको मुक्त कर दिया कि आप बायोडिग्रेडेबल
प्लास्टिक बैग और जो भी प्लास्टिक बैग है जो इजीली कंपोस्टेबल होते हैं, कंपोस्टिंग बन जाती है, वो जो डिग्रेड हो जाते हैं उनको यूज कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा और राज्य मंडल द्वारा सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन नामक संस्था के माध्यम से राज्य के प्रमुख शहरों तथा कस्बों में प्लास्टिक वेस्ट के इन्वेंटराइजेशन कराने हेतु मेमोरेंडम ऑफ MOA किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया गया है कि मतलब इन दोनों बोर्ड के, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तथा सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के बीच में एक मेमोरेंडम हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत मेन मेन सिटीज में है वो वेस्ट का इन्वेंटराइजेशन किया जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट का। इससे पहले हमने ई वेस्ट के इन्वेंटराइजेशन के बारे में पढ़ा था जिसमें हैदराबाद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ कोलाबोरेशन था, और प्लास्टिक वेस्ट के इन्वेंटराइजेशन के लिए सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के साथ अनुबंध किया गया है। सो 2021-20 में राजस्थान में टोटल प्लास्टिक वेस्ट कितना जनरेट हुआ? तो टोटल प्लास्टिक वेस्ट है कितना हुआ, 72,044.7 टन प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन हुआ। ये टोटल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द राजस्थान। सो इसमें से कितना कलेक्ट कलेक्ट किया गया? तो लगभग 84% है वो ई वेस्ट का कलेक्शन किया गया, लगभग 60,000 कितने का सेग्रीगेशन किया गया, मतलब अलग अलग कर लिया, अलग वेस्ट है प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रेशन किया गया, तो लगभग 1.5% प्लास्टिक वेस्ट को अदर वेस्ट से सेग्रीगेशन किया गया। कितने का प्रोसेसिंग किया गया, लगभग 8.9% है ई वेस्ट का प्रोसेसिंग की गई, को प्रोसेसिंग कितने की गई, 2.4% ई वेस्ट की प्लास्टिक वेस्ट की को प्रोसेसिंग की गई तथा रिमेनिंग है 2.9% को कलेक्शन नहीं किया गया, वो जहां भी था उसको एज इट इज छोड़ दिया गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, दे नॉट प्रॉपरली कलेक्टेड द रिमेनिंग 2.9% ऑफ ई वेस्ट। सो दिस इज अबाउट द वेस्ट इन्वेंटराइजेशन। इसको हम ब्रीफ में प्लास्टिक वेस्ट इन्वेंटराइजेशन कह सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट के बारे में पूरी डिटेल क्या है, ये एक टोटल डेटा है। तो अगर हम स्टेट वाइज, अगर जिले वाइज इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो वो इन्वेंटराइजेशन हो जाता है, ठीक है। अलग अलग जिले में कितना कलेक्शन होता है, कितना सेग्रीगेशन होता है, कितना प्रोसेसिंग होता है, ये ऑल दीज डिटेल कम अंडर इन्वेंटराइजेशन। नाउ द इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन डिटरमिनेशन नोटिफिकेशन, पर्यावरण समाधान निर्धारण अधिसूचना। सो ये अधिसूचना बोर्ड के द्वारा 2006 में इस अधिसूचना को जारी किया गया। इस अधिसूचना के अंतर्गत आलोच्य वर्ष में विभिन्न औद्योगिक आधारभूत तथा खनन परियोजनाओं के प्रकरणों की कुल 204 जन सुनवाई आयोजित की गई, एवं प्रकरण वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान को अग्रेषित किए गए। सो इस अधिसूचना के अंतर्गत लगभग 204 जन सुनवाई की गई, अलग अलग मुद्दों से रिलेटेड, जो भी औद्योगिक से इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड 204 मुद्दों की जन सुनवाई की गई। पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना 2006। नाउ द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेटस इन द राजस्थान। सो राजस्थान में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का क्या स्टेटस है? सो राजस्थान में लगभग 39 लोकेशंस पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, और ये 39 39 मॉनिटरिंग स्टेशन है। कितने जिलों में है? ये केवल 8 जिलों में 39 लोकेशंस पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। ये कैसे कैसे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हम देखते हैं, अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर, इन सब में एक एक जिले में तीन तीन लोकेशंस पे मॉनिटरिंग स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है।
कोटा में 6 लोकेशंस पे किया गया है, जोधपुर और जयपुर में 9 लोकेशंस पे किया गया है। सो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन से जिले में सबसे अधिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, तो कौन से में है? जोधपुर और जयपुर जिलों में। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग स्टेशंस की क्या कंडीशन है। सो राजस्थान के 8 जिलों में 10 लोकेशंस पे कंटिन्यूअस एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। सो जयपुर में कितने कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं? 3 लोकेशंस पे। तो जयपुर में टोटल 9 लोकेशंस पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, इनमें से 3 हैं वो कंटिन्यूअस एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। इसके अलावा जोधपुर, अलवर, भिवाड़ी, कोटा, पाली एंड उदयपुर में एक-एक कंटिन्यूअस एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। सो इन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस पे कौन कौन से एयर पोल्यूशन का मेजरमेंट किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स लाइक PM10 एंड PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5। इसका मतलब है इनका जो डायमीटर है वो 1 का 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, तथा PM10 का डायमीटर वो 2.5 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एवं बेंजीन, इन पोल्यूटेंट्स की इन स्टेशंस में मॉनिटरिंग की जाती है। तो कौन कौन से हो गए? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर्स PM10 एंड 2.5, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड बेंजीन। इसके अलावा कुछ जो वायुमंडलीय पैरामीटर्स हैं लाइक एटमोस्फेरिक प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एयर, हॉरिजॉन्टल एयर स्पीड, इन सब चीजों की का भी मॉनिटरिंग की जाती है। नाउ द वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग की राजस्थान में क्या स्टेटस है? सो द वाटर मॉनिटरिंग कैरिड आउट बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज। सो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो भी वो क्या है, जो सरफेस और जो ग्राउंड वाटर है दोनों वाटर बॉडीज की मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता है। सो राजस्थान में टोटल 199 सेंटर हैं जो वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आवृत्ति क्या होनी चाहिए। जैसे सरफेस वाटर बॉडीज हैं, सरफेस वाटर बॉडीज का मतलब क्या होता है, जैसे नदी हो गई, कोई लेक हो गई, कोई पोंड हो गया, सो इनसे कितनी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए वाटर सैंपलिंग की? सो मंथली। सो रिवर, लेक्स, पोंड, इनसे हर महीने वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए। और जो ग्राउंड वाटर बॉडीज हैं लाइक कुआ, हैंडपंप और ट्यूबवेल से हर 6 महीने में एक बार वाटर की सैंपलिंग की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सरफेस वाटर बॉडीज की सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वंस इन ए मंथ हर महीने में एक बार, और ग्राउंड वाटर बॉडीज की हर 6 महीने से एक बार उनकी सैंपलिंग की जाती है। सो नाउ द मोबाइल एप्स। सो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक मोबाइल ऐप है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है और दूसरा मोबाइल एरिया वो कॉमन पर्सन के लिए है, मतलब सिटीजन्स के लिए है, जिससे वो एयर क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं किसी भी एरिया की, और जिन जिन एरियाओं में ये ऐप काम करता है उन एरियाओं में एयर क्वालिटी की कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। सो राजस्थान पहला ऐसा राज्य है इंडिया में जिसने सबसे पहले जो मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जो सिटीजन्स के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं जो एयर क्वालिटी के बारे में बताते हो। सो 2 मोबाइल ऐप कौन कौन से हैं? पहला है दृष्टि मोबाइल ऐप फॉर OEMS। OEMS का मतलब है ऑनलाइन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये दृष्टि ऐप है, ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए यूज होता है। और सेकेंड मोबाइल ऐप है वो राजवायु मोबाइल ऐप फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उसको हम कह सकते हैं एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, जो कि सिटीजन्स के लिए है। सो चलिए दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहला है राजवायु मोबाइल ऐप फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो इस ऐप को राजस्थान 5 जून 2022
2016 में। सो 5 जून 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन के ओकेजन पे 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और 21 के दौरान लॉन्च किया गया था। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर उस टाइम कौन थे, वसुंधरा राजे उस टाइम पे राजस्थान की चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है, सो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में इस दोनों एप्स को रिलीज किया गया था, और दोनों को सेम डे रिलीज किया गया था। कब किया गया, 5 जून 2016 को। सो द राजवायु एप है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स, 3 सिटीज की एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और वो 3 सिटीज कौन कौन सी हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इन 3 सिटीज की रियल टाइम बेसिस पे ये उनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये ऐप है जो कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन से डेटा को कलेक्ट करता है तथा उनको कन्वर्ट करके उनको कलरफुल कोडेड इंडेक्स के रूप में डिस्प्ले करता है। तो आप कई जिलों में देखोगे वहां पे बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं, और उनमें एयर क्वालिटी को बारे में अलग अलग कलर कोड से उसको शो किया जाता है। सो वो अलग अलग कलर कोड है वो एयर क्वालिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, सो द राजवायु एप डिजाइन बाय द राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, तथा यूनिसेफ। तो IITM पुणे, यूनिसेफ, इन दोनों के साथ मिलकर राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राजवायु एप को डिजाइन किया तथा इसका डेवलप किया, इसको डेवलप किया है। नाउ द नेक्स्ट ऐप इज द दृष्टि ऐप फॉर द OEMS। सो इस ऐप को भी 5 जून 2016 को लॉन्च किया था, और यह भी वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल के दौरान भी इसी ऐप को रिलीज किया गया था। और ये ऐप मेनली किसे रिलेटेड है, ये इंडस्ट्रियल रीजन में पोल्यूशन लेवल को मेजर करता है। ठीक है, ये जनरल पब्लिक प्लेसेज में नहीं यूज होता है, ये मेनली इंडस्ट्रियल एरिया के इसके लिए इस ऐप को, दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया था। सो दिस ऐप, ये ऐप किस पे बेस्ड है, सिस्टम्स ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, सफर इंडिया। सफर एक पोर्टल है जो एयर क्वालिटी की रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन देता है। तो ये इसी सफर के डेटा को यूज करके इंडस्ट्रियल एरिया की एयर पोल्यूशन की सिचुएशन को बताता है। सो प्रेजेंटली द सफर इज मेनली वर्किंग इन द दिल्ली, मुंबई और पुणे। सो इन तीन, दिल्ली, मुंबई और पुणे, इन 3 सिटीज में है वो सफर प्रेजेंट में फंक्शन में है, वर्किंग में है। ओके, सो नाउ द दृष्टि ऐप इज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एक्सपेंड दिस दृष्टि ऐप फॉर 4 मोर सिटीज। कहाँ कहाँ पे, अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, कोटा और पाली में। और इसको डिजाइन किसने किया था दृष्टि ऐप को, जो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राजकोम्प के साथ मिलकर इस ऐप को डेवलप किया था। कब किया था, 5 जून 2016 को। सो ये दोनों एप्स के बारे में, एक ऐप है वो कॉमन सिटीजन के लिए है और दूसरा ऐप है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है। सो दृष्टि ऐप है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है, और राजवायु ऐप है वो कॉमन पब्लिक के लिए है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।